हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर बैठकर के अपने अध्ययन में लगे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पार्ट तीन, जिसका नाम है स्वराष्ट्र गौरवम। स्व मतलब अपना, राष्ट्र मतलब देश, गौरव मतलब गर्व होना, अपने देश पर गर्व होना, इस पार्ट का नाम है। हमारा देश भारत है और आप सभी को पता है कि ये बहुत प्राचीन देश है। पूरी दुनिया में हमारा जो देश है भारत, वो बहुत प्राचीन देश है और यहाँ का जो धर्म है हमारा सनातन धर्म, ये सबसे पुराना धर्म माना जाता है। इस विषय में कोई भी अलग अलग राय या मत बहुत कम देखने को मिलती है। लोग मानते हैं कि सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है और सबसे पुरानी भाषा देव भाषा कही जाने वाली संस्कृत भाषा है। आज हम ये जो पाठ पढ़ेंगे, ये मुख्य रूप से हमारे देश भारत के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। भारत के जो निवासी हैं, यानी हम भारतीय, वो कैसे होते हैं उसके बारे में वर्णन है और भारत की सीमाओं के बारे में, भारत की सभ्यता संस्कृति के बारे में इस पाठ में मुख्य तौर से वर्णन किया गया है। ये पाठ श्लोकों में है, तो जो श्लोक है वो अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं। अलग अलग ग्रंथों में जो श्लोक है वो हमारे भारत देश की महिमा को यहाँ प्रकट करते हैं। बच्चों, कुछ लोग सोचते हैं कि हम भारतीय जो हैं वे देशभक्ति, अपने भारत की पूजा करना, वो विदेशी पाश्चात्य लोगों को देख के सीखे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमारे देश में जो हमारे वेद हैं, जिनके निर्माण हजारों वर्ष पहले हुआ, उन वेदों में हमारे राष्ट्र का नाम आया था और हमारे राष्ट्र कहाँ पर है उसके बारे में बताया था और हमारे भारतीयों की सोच क्या होती है अपने राष्ट्र के प्रति, ये सब वेदों में बताया गया है। अर्थात हमारे लिए देशभक्ति करना ये कोई नई बात नहीं है और ना ही हमने विदेशियों से सीखा है, ये हमारे वेदों में वर्णन है। बहुत सुंदर अद्भुत श्लोक है, इसमें बहुत सरल है, आपको ये याद भी कर लेने चाहिए क्योंकि आपकी परीक्षाओं में अक्सर इनकी व्याख्या तो आती ही है, उसके साथ एक प्रश्न आता है जिसमें आपको दो श्लोक अपने मन से लिखने होते हैं। इस पाठ के दो श्लोक कोई भी आपको याद कर लेने चाहिए। बहुत अद्भुत पाठ है, बहुत शिक्षादायी पाठ है। इसमें हमारे भारत भूमि की पुण्य भूमि, कर्म भूमि, मातृभूमि और जो ये देव भूमि है, इस सभी शब्दों से इसका सुशोभित करते हुए बताया है कि ये विश्व गुरु क्यों है, पूरी दुनिया को अपनी तरफ क्यों आकर्षित कर लेती है। आइए मन लगा करके इस पाठ का अध्ययन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं पाठ तीन, जिसका नाम है स्वराष्ट्र गौरवम। स्वराष्ट्र यानी अपना राष्ट्र, गौरव यानी उस पर गर्व होना, अपने राष्ट्र पर गर्व होना, इस पाठ तीन का नाम है। ध्यान से एकाग्रता के साथ हम इस पाठ की पहले भूमिका यानी कि पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। इस भूमिका को पढ़ने से आपको पाठ के बारे में सभी जानकारियाँ, सारे संदर्भ और प्रसंग का ज्ञात होगा। आइए ध्यान से हम इस पाठ की भूमिका को पढ़ते हैं। ये जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, यह आपके पाठ का परिचय है, संस्कृत भाषा में लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसको शुरू करते हैं। लिखा है, अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। अर्थात हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा बहुत प्राचीन है, यानी हम जो सोचते हैं कि राष्ट्र हमारा कैसा है या राष्ट्र के बारे में जो हमारे विचार हैं वो बहुत प्राचीन हैं। वो ऐसा नहीं कि हम लोग हैं जब इस धरती पर आए हैं तभी हम लोग राष्ट्र के बारे में सोचने लगे हैं, अपने देश के लिए चिंतन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सदियों पुराने, बहुत युगों पुराने दौर से ऐसा चला होते आ रहा है कि प्राचीन काल में बहुत से लोग सबसे पहले जो थे वो अपने देश का, अपने राष्ट्र का चिंतन भी किया करते थे। आगे लिखा हुआ है, वेदेषु अपि, अर्थात वेदों में भी। वेदेषु अपि मतलब वेदेषु प्लस अपि, यण संधि है इसमें। वेदों में भी आ राष्ट्रे राजन्यहा, यजुर्वेद, ये यजुर्वेद की उक्ति है, आ राष्ट्रे राजन्यहा, अर्थात आ मतलब शोभामान होना, राष्ट्र मतलब राष्ट्र में, राजन्या मतलब अपनी अपनी कलाओं से, अपनी योग्यताओं से, अपने ज्ञान से, हम सभी अपने ज्ञान से इस देश में शोभामान हो, इस राष्ट्र की प्रसिद्धि और यश को फैलाएं, ऐसा यजुर्वेद में कहा गया है। इसके आगे लिखा हुआ है, वयम राष्ट्र जागृयामः, अर्थात वयम मतलब हम सभी राष्ट्र में जागृत हों, राष्ट्र को जगाएं, राष्ट्र में जागृत हों, हम सभी में देशभक्ति की भावना
बनी रहे, इस सुक्ति का अर्थ ये हुआ, जो कि यजुर्वेद की है। आगे लिखा हुआ अहम राष्ट्रीय संगमणि वसुनाम, यह ऋग्वेद की उक्ति है। ऋग्वेद कहता है अहम राष्ट्रीय संगमणि वसुनाम, अर्थात मैं राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करूँगा। इतेषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दोगस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति, अर्थात इन बहुत सारे मंत्रों से राष्ट्र शब्द का जो प्रयोग हुआ है इससे यह स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? वही जो हम पहले पढ़ रहे थे कि हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा जो है वो बहुत प्राचीन है, यानी वेदों में भी, हमारे वेद दुनिया में सबसे पुराने हैं, हमारा धर्म सनातन धर्म सबसे पुराना है, इसमें कोई भी मतलब मत नहीं है, कोई भी इसके अंदर संशय नहीं है, सब धर्म के लोग, सारे अलग अलग देशों के लोग भी यही मानते हैं कि सबसे पुराना सनातन धर्म है, सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है और सबसे पुराने ग्रंथ वेद हैं सनातन धर्म के। तो वेदों में भी राष्ट्र शब्द का संबोधन किया गया है, राष्ट्र शब्द के बारे में बताया गया है, तो इससे पता लगता है कि हमारे जो वेद हैं यानी उतने प्राचीन काल से हम सभी जो हैं राष्ट्र को लेकर के चिंतन करते थे, जिसमें इतनी शानदार बड़ी बड़ी उक्तियाँ दी गई हैं। आगे लिखा हुआ है अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अवार्चिना, कि हमारी राष्ट्र के संबंध में जो अवधारणा है अवार्चिना यानी कि नई है, नूतन है। पश्चिमागता इति ये मन्ने तु, पश्चिमागता यानी विदेशी लोग, पाश्चात्य संस्कृति के लोग, पश्चिमागता यानी पश्चिम से आई है, इति ये मन्यते ऐसा मानते हैं। ते तो वस्तुतः भ्रांता संति, वे जो हैं वे वस्तुतः यानी मुख्यतः भ्रांत, एक प्रकार से भ्रम में हैं, भ्रांत में हैं। किस बात के? कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे देश की जो राष्ट्र संबंधी अवधारणा है यानी हम सभी में जो राष्ट्रभक्ति है ये कहाँ से आई है? पश्चिम से, यानी विदेशों से आई है। हमने विदेशियों को देख कर के ही राष्ट्र अपने भारत के लिए सोचना और भारत की भक्ति करना शुरू किया है। विदेशियों नहीं होते, उनको जब हम नहीं देखते तो हम भारतीय जो है हिंदुस्तान की देशभक्ति नहीं करते। मतलब ये जो भाव हैं, विचार हैं, ये लोग जो मानते हैं कि हम लोगों ने विदेश को देख के पश्चिम से आई हुई ये अवधारणा को अपनाया है, तो ये जो है ये पूरी तरह से भ्रमित हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे दिया हुआ है अस्माकम इदम भारतवर्षमेकम चीर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते, अर्थात हमारा ये भारतवर्ष एक अत्यंत प्राचीन और सनातन राष्ट्र है। चीर यानी कि बहुत, पुरातन मतलब पुराना, सनातन मतलब सनातन धर्म जो हमारा है, ये हमारा धर्म है जो कि हमारा राष्ट्र बहुत पुराना और सनातन धर्म का राष्ट्र है। किंतु अत्र, लेकिन यहाँ पर ऋषि भी मुनि भी कवि भी तत्वचिंतकश्चैव केवलम भौतिकम भौगोलिकम राजनैतिकम च घटकमेव राष्ट्रमिति नैव मतम। लेकिन बहुत ध्यान से इस लाइन का मतलब समझना, किंतु यहाँ मुनियों ने, ऋषियों ने, कवियों ने, तत्वचिंतकों ने केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। ठीक है, हमारे देश में जो राष्ट्र जो मानते हैं वे जो ऋषि हैं, मुनि हैं, कवि हैं, तत्वचिंतक हैं, उन्होंने यहाँ जो भौतिक यानी कि हम सभी को ये जो दिख रहा है इस देश में हमारे आसपास में जो भी हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, भौतिक, भौगोलिक, भौगोलिक मतलब अलग अलग धरातल सीमाओं से जुड़ी हुई, क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई भौगोलिक, और राजनीतिक घटक, राजनीति से जुड़े हुए, हमारे इतिहास से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए कुछ घटक यानी कुछ मुख्य बिंदुओं को ही राष्ट्र नहीं मानते हैं। वो राष्ट्र किसको मानते हैं? अगले लाइन में दिया है, ध्यान से समझना, राष्ट्रकम राष्ट्रम इति उच्यते, राष्ट्र उसे कहा जाता है तदत्रेकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम, अर्थात राष्ट्र उसे कहा जाता है वहाँ एक चेतन यानी कि एक जैसा सोच और सांस्कृतिक घटक माना गया है। जहाँ पर एक जैसी सोच हो और सांस्कृतिक सभी अलग अलग संस्कृतियाँ आपस में जुड़ती हों, मिलकर रहती हों, उसे ही राष्ट्र मानते हैं। जी हाँ, राष्ट्र किसे मानते हैं? जहाँ सब लोग एक जैसा सोचते हों और सारी संस्कृतियों का समावेश हो, एक जैसा लगता हो,
वह राष्ट्र माना जाता है। आगे लिखा हुआ है वयमिदम राष्ट्र देवम मन्यामहे, यानी कि हम सब जो हैं इस राष्ट्र को देवम यानी कि देवता मानते हैं। एतद वे भारत अस्माकं दृष्टो न कच्चिद मृतपंडो वा भूखंडो वा विद्यते, अर्थात बताया गया है कि निश्चित ही यह हमारा भारत हमारे दृष्टि में कोई मृतपिंड या भूखंड नहीं है। ये जो हमारा देश है ये निश्चित ही हमारी दृष्टि में ये जो भारत भूमि है ये मृतपिंड या भूखंड ही नहीं है, अपितु मातृभूमि रस्ती, बल्कि ये हमारी मातृभूमि है। यथा किलोक्तम अथर्ववेदे, जैसा कि अथर्ववेद में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ये महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, आप सभी को ध्यान देनी चाहिए। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी मेरी माता भूमि है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ठीक है, भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। उसके बाद आगे दिया हुआ है ऋग्वेदे कथतम अस्ति, ऋग्वेद में भी कहा गया है। क्या कहा गया है ये भी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी माता द्योः पिता, द्योमो पिता, यानी कि पृथ्वी मेरी माता है और आसमान द्योम मतलब आसमान मेरे पिता हैं, धरती मेरी माता और अंबर मेरा आकाश। कहीं आपने सुना होगा कविताओं में कुछ गीतों में, तो वही बात यहाँ कही गई है। और ये सबसे पहले हमारे ऋग्वेद में कही गई थी, हजारों वर्ष पहले जब ऋग्वेद बना था उस समय ऋग्वेद में ये मंत्र आया था। तो हजारों वर्ष पहले ही लोग ये अक्सर कहते आ रहे हैं हमारे देश के कि धरती मेरी माता है, अंबर मेरा पिता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है मातृभूमि ही पितृभूमि, पितृभूमि ही पुण्य भूमि ही धर्म भूमि ही कर्म भूमि ही देवभूमिश्च इत्येवम् विविधे रूपे तास्ति भुवन मोहिनी इत्यस्माकं भारत माता। बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है और बहुत अच्छी बात लिखी है। बोल रहे हैं कि मातृभूमि पितृभूमि पुण्य भूमि धर्म भूमि कर्म भूमि और देवभूमि, देखिए कितने सारे नाम दिए हैं, फिर से पढ़िए। मातृभूमि पितृभूमि पुण्य भूमि धर्म भूमि कर्म भूमि और देवभूमि इत्यादि विविध रूपों से संसार के मन को मोहने वाली, लिखा हुआ भुवन मन मोहिनी, भुवन मतलब संसार के मन को मोहने वाली, इयम अस्माकं भारत माता, ऐसी हमारी भारत माता है। आगे दिया है राष्ट्र संबंधिनः, राष्ट्र राष्ट्रीय संबंधिनः, राष्ट्र गौरव संबंधिनः, राष्ट्र भक्ति संबंधिनश्च केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संगलिताः सन्ति, अर्थात ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। बताया है राष्ट्र संबंधी यानी हमारे देश से संबंधित, राष्ट्रीयता से संबंधित यानी यहाँ के जो निवासी हैं उनसे संबंधित, राष्ट्र गौरव संबंधित यानी राष्ट्र से गर्व, राष्ट्र के गौरव से संबंधित और राष्ट्रभक्ति से संबंधित कुछ श्लोक इस पाठ में यहाँ संकलित हैं। इस पाठ में कौन कौन से किससे संबंधित हैं ये श्लोक जो आएंगे, आगे आने वाले श्लोक जो हैं वो किससे संबंधित हैं, वो राष्ट्र से संबंधित हैं, राष्ट्रीयता से संबंधित हैं, राष्ट्र गौरव से संबंधित हैं और राष्ट्रभक्ति से भी कुछ संबंधित श्लोक अब श्लोक जो है इस पाठ में आगे आने जा रहे हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। ये था हमारे पाठ का परिचय। इसको पढ़ के स्पष्ट हो गया होगा आप सभी को कि हमारे देश हमारा जो मातृभूमि के प्रति प्रेम है, हमारी ये जो भारत माता है इसकी महिमा कितनी पुरानी है और संसार में इसका कितना बड़ा स्थान है। आइए हम इस पाठ को शुरू करें, बहुत ध्यान के साथ अध्ययन करेंगे। बड़े ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, अक्षर परीक्षाओं में आपकी बोर्ड परीक्षाओं में ये श्लोक आते हैं जिनकी आपको हिंदी में और संस्कृत में व्याख्या करनी होती है, इसलिए ध्यान से इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पाठ का नाम है स्वराष्ट्र गौरवम, अर्थात अपने राष्ट्र का गौरव। आप देख रहे हैं कुछ श्लोक आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तीन श्लोक सर्वप्रथम इसका अध्ययन हम करेंगे। इसमें दिया है पहला श्लोक आते हैं विष्णु पुराण से लिया गया है। ये आपको ये पाठ के प्रसंग में ये बात लिखनी पड़ेगी, ये याद रखना चाहिए हर श्लोक कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। जैसे कि इस स्क्रीन पर आप अभी तीन श्लोक देख रहे हैं, ये तीन श्लोक जो हैं
उनके अलग अलग सामने जहाँ से ये लिए गए हैं उनके पते लिखे हैं। जैसा पहला श्लोक है विष्णु पुराण से, आइए पढ़ते हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्यव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। बहुत अच्छा श्लोक है और इसको आपको एकाग्रता के साथ आप सुनना चाहिए। इस श्लोक के कुछ अर्थ पहले मैं आपको समझा देता हूँ महत्वपूर्ण जो है। उत्तरम मतलब उत्तर दिशा में, हिमाद्रय, हिमाद्रय का मतलब हुआ है हिमालय पर्वत के बारे में, हिमालय की। दक्षिणम मतलब दक्षिण दिशा में, भारती यानी जो भारतीय का मतलब यहाँ हुआ है दो तरीके से अर्थ है। एक तो भारतीय जो लोग हैं, हम सब इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो ये भारतीय शब्द यानी हम भारतीयों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। और ये इसका एक अर्थ और भी है, भारतीय मतलब माँ भारती, यानी कौन, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती माँ भारती, उनके लिए भी शब्द प्रयोग हुआ है। संतति मतलब पुत्र संताने, तो इसी के आधार पर अब आइए मैं आपको इसका अर्थ समझाता हूँ। लिखा है उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रश्यव दक्षिणम, यानी उत्तर समुद्र के उत्तर में, समुद्र के उत्तर में, और हिमाद्रश्यव दक्षिणम, हिमाद्रश्यव दक्षिणम समुद्र की उत्तर दिशा में, और हिमालय की दक्षिण दिशा में, हिमालय की दक्षिण दिशा में। आप देख सकते हैं कि समुद्र की उत्तर दिशा कौन सी होगी। समुद्र हमारे देश के नक्शे में कहाँ पर है जो हमें, हम जानते हैं उसके आधार में, तो दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, यहाँ पर जो है कि समुद्र है। तो एक तरीके से समुद्र की उत्तर दिशा कौन सी होगी, सबसे ऊपर यानी कि हिमालय की तरफ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जहाँ हिमालय है, तो समुद्र की उत्तर दिशा में, और हिमालय के दक्षिण दिशा में। हिमालय कहाँ स्थित है हमारे देश के नक्शे में, उत्तर दिशा में। तो हिमालय का उत्तर जो है, हिमालय का जो अपोजिट क्या होगा, दक्षिण, यानी कि नीचे साउथ, दक्षिण में। तो बोला गया है हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में। आगे है वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, अर्थात भारती जो बोला गया है समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में, जो भूभाग है, जो भूमि है, जहाँ भारतीय अर्थात माँ सरस्वती के पुत्र रहते हैं, या जहाँ भारती माँ भारती सरस्वती के पुत्र रहते हैं, या फिर जो वो भारतीय कहलाते हैं, वही देश भारत है। वही देश का है भारत, कौन सा देश भारत, फिर से दोनों लाइन का अर्थ समझ लीजिए इसकी व्याख्या में। जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय की पर्वत की दक्षिण दिशा में भूभाग है, यानी इसके बीच का जो भूभाग है, जहाँ भारतीय लोग रहते हैं या माँ सरस्वती के पुत्र रहते हैं, वही देश भारत है। ये पहला श्लोक का अर्थ हुआ जो कि विष्णु पुराण से लिया गया था। दूसरा श्लोक है, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। हिमालयात सारसभ्य हिमालयात समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। प्रचक्षते मतलब कहा जाता है, हिंदुस्तानम मतलब हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान कहा जाता है। और आगे लिखा हुआ देव निर्मितम, जो कि देवताओं के द्वारा रचित है, निर्मित है, बना है, हिंदू सरोवरम, हिंदू सरोवरम यानी हिंद महासागर। हिंदू सरोवरम का तात्पर्य श्लोक में जो है वो हिंद महासागर से है, पहली लाइन का अंतिम अक्षर है जो यावद हिंदू सरोवरम, हिंदू सरोवरम यानी हिंद महासागर। समारभ्य, समारभ्य मतलब भूभाग, जमीन, स्थल, हिमालयात यानी हिमालय से। ये शब्दों के अर्थ आपको बता दिए हैं, अब आइए इसका हम भावार्थ पढ़ते हैं। तो बोला है हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक का समारभ्य यानी भूभाग, हिमालय से लेकर के हिमालय यानी हिमालय से लेके भूभाग जो है कहाँ तक, हिंद महासागर तक। आगे है दूसरी लाइन का अर्थ देखेंगे, देवताओं के द्वारा निर्मित जो उस स्थान को
हिंदुस्तान कहा जाता है। देवताओं के द्वारा निर्मित उस स्थान या देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। ये कहाँ से लिया गया श्लोक? ये बृहस्पत्यागम से लिया गया है। एक बार बहुत बड़ा ग्रंथ है हमारे सनातन धर्म का बृहस्पत्यागम, वहाँ पर ये श्लोक हमारे देश हिंदुस्तान का वर्णन है, जो कि बहुत अति प्राचीन ग्रंथ है बृहस्पत्यागम, बहुत हजारों वर्ष पहले बना था। उस ग्रंथ में हमारे देश हिंदुस्तान के बारे में वर्णन है, जो कि श्लोक में दिया गया था, जिसको आपने अभी पढ़ा है। आइए पुनः इन दोनों लाइन का अर्थ एक बार आपको बताते हैं। बोला है कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, देवताओं के द्वारा निर्मित उस देश को, उस स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता है। आया समझ में? चलिए अब तीसरे श्लोक की ओर ध्यान दें, जो कि विष्णु पुराण से लिया गया है और बहुत अच्छा श्लोक है, अक्सर ये आपकी परीक्षाओं में आते रहता है, तो इस पर आप विशेष ध्यान दें, एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषाः सुरत्वात्। विष्णु पुराण से श्लोक लिया गया है। आइए सबसे पहले इसके कठिन शब्द जो है मैं उसका अर्थ आप सभी को बता देता हूँ। दिया हुआ है गीत गानी, पहली लाइन का अंतिम अक्षर है गीत गानी, मतलब गीत। गायंती मतलब गाए जाते हैं जो, देवाह मतलब देवताओं के द्वारा, किल मतलब निश्चित रूप से, गीत गानी यानी गीत, धन्यास्तु यानी धन्य है, ते यानी वे, भारत भूमि भाग्य, भारत भूमि जो है उसका भाग्य, उसके भूभागे जमीन में, भारत भारतस्य भूभागे, भारत के भूभाग में। आगे है स्वर्ग अपवर्गा स्पर्ग मार्ग भूते, स्वर्ग मतलब स्वर्ग आप सभी जानते ही हैं, अपवर्ग मतलब होता है मोक्ष, अस्पद मार्ग भूता यानी कि उसे प्राप्त करने का मार्ग, किसको प्राप्त करने का मार्ग? स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग, इस पूरे शब्द का मतलब हुआ या इस पूरी लाइन का मतलब हुआ स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग। भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्, भवन्ति मतलब हो आप जानते ही हैं, भूयः मतलब होता है फिर से, पुनः पुरुषः यानी कि पुरुष में एक प्रकार से मनुष्य रूप में, सुरत्वात, सुरत्वात मतलब देवता रूप से, सुरत्वात लिखा है अर्थात देवता रूप से। ये कुछ कठिन शब्द के अर्थ मैंने आपको बताए। अब आइए इस पूरे श्लोक का हम बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं, इसका अनुवाद सुनते हैं। लिखा है देवता जहाँ गीत गाते हैं, गायन्ति देवा किल गीत गानी, देवता जहाँ आकर के निश्चित रूप से गीत गाते हैं, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, अर्थात वे मनुष्य धन्य हैं, वे भारत भूमि धन्य हैं। स्वर्ग अपवर्गास स्वर्ग मार्ग भूते, और जो लोग हैं जो चौथी लाइन में लिखा है भवन्ति भूया पुरुषः सुरत्वात, सुरत्वात यानी देवता, देवता जो होते हैं उस रूप से, भूयः यानी पुनः पुरुषः मन मनुष्य होकर के कहाँ आते हैं? इस भारत भूमि पे क्या प्राप्त करने? तीसरी वाली लाइन में लिखा है स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने। इस भारत भूमि पर देवता जो हैं अक्सर कुछ समय के बाद में, कुछ काल बीतने के बाद में मनुष्य के रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं, ताकि उन्हें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो। ये धरती भारत भूमि इतनी महान है कि यहाँ पर देवता जो है वो गीत गाने के लिए आते हैं, यहाँ भ्रमण करते रहते हैं, और ये जो भारत भूमि है ये धन्य है। क्यों? क्योंकि एक तो देवता गीत गाने आ रहे हैं, भ्रमण करने आ रहे हैं, ऊपर से देवता जो हैं वे अपना स्वर्ग और मोक्ष उन्हें प्राप्त हो इसके लिए इसी भारत भूमि पर कुछ काल समय बीतने के बाद में मनुष्य रूप में आकर के जन्म लेते हैं। आइए श्लोक का अर्थ आपको समझाया है, पुनः एक बार अनुवाद के तौर में आपको और अंतिम बार समझा दूं कि देवता जहाँ गीत गाते हैं वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप
भारत में देवता रूप से यानी स्वर्ग से भी आकर के पुनः उत्पन्न होते हैं या जन्म लेते हैं। इसी के साथ आपकी तीन श्लोक समाप्त हुए। आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा और इसका अध्ययन किया होगा। आइए अब अगले श्लोकों की ओर ध्यान लगाएं। अब है श्लोक नंबर 4, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, श्लोक नंबर 4 है। ये कहाँ से लिया गया है? ये बृहन्नारदीय पुराणम, इस पुराण से लिया गया है। कौन से? बृहन्नारदीय पुराणम। आइए श्लोक को पढ़ते हैं। संप्राप्य भारते जन्म सतकर्म सुपरांग मुखम पीयूषम कलशम हितवा विषभाण्डमुपाशितः। आइए अब इससे कुछ कठिन शब्दों को मैं आपको बता दूं। लिखा है संप्राप्य यानी प्राप्त करके, संप्राप्य अर्थात प्राप्त करके भारते मतलब भारत में जन्म, सत्कर्मसु, सत्कर्मसु यानी अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, परांगमुखम यानी कि विमुख हो जाना, अलग हो जाना, किससे? सत्कर्मसु अच्छे कर्मों में, सत्कर्मसु अर्थात अच्छे कर्मों में, परांगमुखम यानी कि उससे विमुख हो जाना, उससे अलग हो जाना। पीयूषम कलशम हितवा, पीयूष मतलब होता है अमृत, कलश मतलब घड़ा, हितवा हितवा मतलब छोड़ करके, त्याग करके। विष भांडम उपाश्रितः, विष भांडम यानी कि विष के पात्र को, जहर के बर्तन को, मुपाश्रिता मुपाश्रिता यानी स्वीकार करता है जो। ये आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताए हैं। अब आइए पहली वाली लाइन का अर्थ, भावार्थ हम समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में जन्म लेकर भी जो मनुष्य सत्कर्मों से विमुख होता है, परामुखम यानी विमुख हो जाता है, यानी भारत की भूमि में जन्म लेकर भी जो मनुष्य अच्छे कर्म नहीं करता है, उससे विमुख हो जाता है, उसका व्यवहार कैसा हो जाता है, उसका जो है करणी, वो साक्षात, दूसरी लाइन में लिखा है पढ़ें, वो साक्षात पीयूषम कलशम हितवा विष भांडम उपाश्रितः, वे साक्षात अमृत के घड़े को त्याग करके जहर के पात्र को ग्रहण करता है। आइए पूरे श्लोक को एक बार पुनः हम आपके लिए इसे दोहरा देते हैं। लिखा है भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य सत्कर्मों से विमुख होता है, वे अमृत के घड़े को छोड़ करके जहर के पात्र को ग्रहण करने वाला होता है। 5वां श्लोक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मनुस्मृति ग्रंथ से लिया गया है। सनातन धर्म में मनुस्मृति का बहुत उच्च स्थान है और इसकी जो नीति है, इसकी जो बातें हैं, सनातन धर्म के लोग इसे ही अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। मनुस्मृति की लिखी हुई ये बात, ये श्लोक हम पढ़ते हैं। 5वां श्लोक है। एतदेश प्रतूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चैत्रं शिक्षरेण पृथिव्यां सर्वमानवः। आइए इसके पहले कुछ कठिन शब्दार्थ मैं आपको सुना देता हूँ। एतदेश प्रतूतस्य अर्थात इस देश में होकर के, उत्पन्न होकर, पैदा होकर के, अग्रजन्मनः, अग्रजन्मनः मतलब अग्र यानी पहले, श्रेष्ठ जो हुए हैं उनके लोगों के, सकाशात यानी एकाशात यानी उनके पास से, एकाशात यानी कि उनके पास से, सकाश यानी पास से, किनके पास से? अग्रजन्मनः यानी कि जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं उनके पास से। पूरी लाइन का अर्थ हुआ जो श्रेष्ठ जन हैं, अच्छे लोग हैं, उनके पास से इस देश में, एत देश यानी इस देश में प्रतुतस्य जो पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। दूसरी लाइन में है स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेण, स्वम स्वम मतलब अपने अपने व्यवहार या गुणों के लिए, चरित्रम यानी व्यवहार या गुणों के लिए, शिक्षरेण यानी शिक्षा प्राप्त करें पृथिव्या सर्वमानवः, पृथ्वी के सभी मानव जो हैं उनको, अर्थात दूसरे वाले लाइन का मतलब हुआ कि पृथ्वी के सभी प्राणियों को अपने अपने गुण और व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। दूसरे वाले लाइन का मतलब क्या हुआ कि इस पृथ्वी के
सभी मानव को अपने अपने चरित्र यानी गुणों के आधार वाली शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कौन से? जो इस देश में श्रेष्ठ लोगों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, उन सभी लोगों को जो पृथ्वी पर हैं अपने अपने गुण और व्यवहार आदि की शिक्षा उन्हें प्राप्त करनी चाहिए। ये पांचवा श्लोक हुआ। एक बार पुनः इसका अर्थ आपको बता देते हैं। लिखा है, इस भारत देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ जन के पास से पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अपने अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अब आइए श्लोक नंबर 6। ये अज्ञात है लेकिन इसके बारे में जो है कि कहा जाता है और ऐसे विद्वान मानते भी हैं कि ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, लेकिन कुछ लोग इसमें अलग अलग मत भी मानते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये कहीं और था, इस वजह से लेखक ने इसके बारे में लिखा है अज्ञात, यानी इसका पता नहीं है, इसके अलग अलग मत हैं। लेकिन मेरी समझ कहती है कि ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आपने अक्सर कहीं ना कहीं इसको सुना होगा लोगों के मुँह से। आइए इसकी शिक्षा को आप सभी लें और देखें कि कितनी अच्छी बात इसमें लिखी है। श्लोक में लिखा है, अपि स्वर्णमयी लंकाम नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात अपि यानी भी, स्वर्णमयी लंकाम यानी सोने वाली लंका, नमे रोचते मुझे नहीं अच्छी लगती है, लक्ष्मण यानी लक्ष्मण को कह रहे हैं श्री राम कि हे लक्ष्मण ये सोने वाली लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, गरीयसी मतलब उससे भी श्रेष्ठ है, बढ़कर है। किससे? स्वर्गादपि स्वर्ग से भी। कौन? जननी यानी माता, जन्म भूमिश्च और जन्म भूमि जहाँ आपने जन्म लिया है उस धरती पर, वे जो है स्वर्ग से भी बढ़कर के हैं, उससे भी श्रेष्ठ हैं। दोनों लाइन का अर्थ आपको बताते हैं। भगवान श्री राम जो हैं वो कह रहे हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, सोने से निर्मित यह लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। माता और मातृभूमि जो है वे स्वर्ग से भी अधिक होती हैं या उनसे भी बढ़ के श्रेष्ठ होती हैं। तो ये था आपका श्लोक नंबर 6। अब आइए इसके श्लोक नंबर 7 पर ध्यान दें। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। अमृत वाग भवाचार्य, ये जो श्लोक निर्मात हैं ये अमृत वाग भवाचार्य जो हैं ये वहाँ से लिया गया है, उनके द्वारा ये निर्मित है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको पता लगेगा कि राष्ट्र दृष्टि यानी राष्ट्र की जो भावना होती है वो क्या होती है। सबसे पहले इसे कुछ कठिन शब्दों पे ध्यान दें हम। राष्ट्र दृष्टि यानी राष्ट्र की राष्ट्र को देखने की दृष्टि। नमस्यामो यानी नमस्कार करते हैं किसको? राष्ट्र मंगलकारिणी यानी राष्ट्र का मंगल करने वाली, राष्ट्र का मंगल करने वाली। इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि हम जो हैं राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार करते हैं। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है यया विना न पश्यन्ति, यया विना न पश्यन्ति यानी जिसके बिना, न पश्यन्ति नहीं देख सकते हैं राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम, अपने समीप स्थित को, किसको? राष्ट्र को, अपने समीप जो हमारा राष्ट्र है इसको हम नहीं देख सकते हैं। आइए दोनों लाइन का अर्थ आपको बता दें कि राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं, यया मतलब जिसके बिना, यया बिना मतलब जिसके बिना लोग अपने स्थित, अपने निकट, स्वनिकट अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। यानी राष्ट्र दृष्टि जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है, उसके बिना हम जो है अपने राष्ट्र की महिमा को नहीं जान पाएंगे। ये था 7वां श्लोक अमृत वाग्भवाचार्य द्वारा निर्मित। अब आइए 8वां श्लोक की ओर हम चलते हैं। तो आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं श्लोक नंबर 8, जिसमें लिखा हुआ है समान संस्कृति मतां यावति
पृथ्वीपुण्यभूः तावतीं भुवमावृत्य राष्ट्रमेकं निगद्यते। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आइए पहले इसके कठिन शब्द समझ लेते हैं। समान संस्कृति मदाम, यानी समान संस्कृति को मानने वाले, यावतिम यानी जितनी, पितृपुण्यभू, पितृ मतलब पैतृक, पैतृक पितृ मतलब पैतृक, पुण्यभू यानी पुण्य पवित्र भूमि, तावतिम, तावतिम मतलब उतनी, भूमावृत्य, भूम यानी धरती, भूमि को आवृत्य यानी घेर करके, राष्ट्रमेकम, राष्ट्र एक राष्ट्रकम, राष्ट्रमेकम यानी एक राष्ट्र, निगद्यते अर्थात कहा जाता है। ये जो श्लोक है, इस श्लोक के आपको कठिन अर्थ बता दिए हैं, आइए अब इन दोनों लाइन का अर्थ आपको बताते हैं कि एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक और पुण्य भूमि है, उतनी भूमि को घेर करके, अर्थात उस भूमि को, उस भूभाग को एक राष्ट्र कहा जाता है। एक राष्ट्र किसे कहा जाता है, इस श्लोक में बताया है कि राष्ट्र किसे कहा जाता है, राष्ट्र बताया जाता है कि एक समान संस्कृति को मानने वाले लोग, जिनकी पैतृक यानी पूर्वजों की और पुण्य भूमि, जो कि पुण्य पवित्र भूमि है, ये ऐसा जो मानते हैं, उतनी भूमि के एक घेराव को, उस भूमि के एक भूभाग को एक देश कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक था, अब आइए श्लोक नंबर 9 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है, पितृभूतवम पुण्यभूतवम द्वम यस्य न विद्यते तस्य स्वतत्वम तत्र राष्ट्रे भवतु राष्ट्रे भवितुम न किलहार्हति। अर्थात बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसके पहले कठिन शब्द समझ लीजिए। पितृभूतवम यानी कि पैतृक भूमि का, भूतवम यानी भाव, पैतृक भूमि का भाव, और दूसरा है पुण्यभूतवम, पुण्यभूतवम मतलब पवित्र भूमि का भाव, भूतवम मतलब होता है भाव, द्वम यानी दो, यस्य न विद्यते जिसके पास नहीं होते हैं, तस्य यानी उसका, स्वतत्वम, स्वतत्वम मतलब होता है स्वत्वम, स्वत्वम मतलब होता है अपनापन, स्व मतलब अपना, त्वम मतलब पन, स्वत्वम यानी अपनापन, तत्र राष्ट्रे उस राष्ट्र में, भवितुम यानी होगा ना यानी नहीं, किलहार्हति किल यानी निश्चित, न अर्हति नहीं हो सकता है, किल मतलब निश्चित, न अर्हति यानी नहीं हो सकता है। श्लोक के कठिन अर्थ आपको बता दिए गए हैं, अब आइए इसको हम समझते हैं कि राष्ट्र के प्रति अपनापन का भाव किस प्रकार होता है, उसके बारे में ये श्लोक है। लिखा है, जिसका जहाँ पैतृक भाव या पुण्य भाव दोनों नहीं होते हैं, उसका उस राष्ट्र में अपनापन का भाव भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अर्थात राष्ट्र के प्रति अपना भाव, अपनत्व का भाव, पैतृक भाव एवं पुण्य भाव से उत्पन्न होता है। यानी हम सब जो हैं, हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव कैसे जागृत हो सकता है, कि हम अपने मन में ये सोचें कि ये जो धरती है, भारत माता है, ये हमारी बहुत महान भूमि है, क्योंकि इस पर हमारे परिवार के पूर्वजों ने जन्म लिया है, अपना जीवन व्यतीत किया है, और ये पवित्र भूमि भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान राम कृष्ण हरि ने आकर के अपनी अपनी लीलाएँ की हैं, अलग अलग समय में देवताओं का, ऋषियों का और मनुष्यों का कल्याण किया है। यह बहुत पवित्र भूमि है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तीर्थ हैं, इतने महान महान नदियाँ हैं, वृक्ष हैं, अलग अलग मंदिर हैं, मठ हैं, इस धरती पर ये तो हैं, विदेश में तो हुए नहीं है, इसलिए वहाँ की बजाय अगर हम यहाँ इस धरती को आदर भाव रखें मन में, तो हमारे मन में अपनत्व यानी अपनापन जागृत होता है। ये श्लोक नंबर 9 था, तो आइए श्लोक नंबर 10 बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है, राष्ट्रस्योत्थान पतने राष्ट्रयान अवलंब्य ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रियः। अर्थात राष्ट्रयान, राष्ट्रयान मतलब होता है राष्ट्र संबंधियों के, राष्ट्र के निवासियों के बारे में, राष्ट्रयान मतलब राष्ट्र निवासियों के बारे में। अवलंब्य, इस पहली लाइन में लिखा हुआ है, अंतिम जो अक्षर है राष्ट्रयान यानी राष्ट्र के निवासी, अवलंब्यान यानी सहारा लेके, आश्रित होकर के,
उत्थान पतने किसके, राष्ट्र के, पहले वाला शब्द जो था राष्ट्र के उत्थान यानी उसकी प्रगति में, और पतन मतलब उसके पतन में। भवत सर्वदा, हम सभी जो हैं हमेशा, तस्मात यानी उसकी, शिक्षणीय शिक्षा लेकर के, शिक्षा हमें शिक्षा शिक्षणीय यानी शिक्षा लेनी चाहिए शिक्षित होकर के, किसकी, राष्ट्रीय यानी राष्ट्र की, राष्ट्र के लिए। अब आइए इन दोनों लाइन का अर्थ आपको बता दें कि राष्ट्र के निवासियों का आश्रय लेकर ही हमेशा राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। पहली लाइन का मतलब तो यही है ना, क्योंकि राष्ट्र के जो लोग हैं वही जो होते हैं कि इस राष्ट्र की प्रगति में और उसके पतन में भागीदार होते हैं, उन्हीं की वजह से देश आबाद होता है और राष्ट्र के लोगों के द्वारा ही राष्ट्र बर्बाद होता है। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, इसलिए राष्ट्र के निवासियों को हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। किनको देनी चाहिए, जो यहाँ जो लोग रहते हैं इस देश के जो लोग हैं, इसलिए उन्हें हमेशा देशभक्ति की शिक्षा देनी चाहिए। आइए श्लोक नंबर 11 जो कि हमारे इस पाठ का अंतिम श्लोक है, ये हमारे महान विद्वान आचार्य चाणक्य के द्वारा निर्मित है। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। बहुत महत्वपूर्ण बात है, लिखा है विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च, शस्त्रम मतलब शस्त्र वाली विद्या। आपने रामायण महाभारत आदि ग्रंथों में देखा होगा शस्त्र वाले जो अलग अलग शस्त्र जो होते हैं उनकी विद्या, और शास्त्र विद्या, शास्त्र मतलब ग्रंथ, अलग अलग ग्रंथ वाली विद्या। द्वे विद्ये प्रतिपत्ते, दो इन दोनों विद्याओं को प्रतिपत्ते यानी कि प्राप्त करने के लिए, शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे, शस्त्र से पहले राष्ट्र की रक्षा करो, शास्त्र चर्चा प्रवर्तते फिर शास्त्र चर्चा होगी। शास्त्र चर्चा होगी कब होगी, कि दो विद्याएं हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन सी, शास्त्र चर्चा, शास्त्र जो है उसकी विद्या, और शास्त्र चर्चा, ये दो विद्याएं हैं, इन्हें प्राप्त करना चाहिए, शास्त्र से हमारे राष्ट्र की रक्षा हो सके और उसके बाद शास्त्र की चर्चा हो सके। आइए एक बार पुनः अंतिम बार इसका अनुवाद आपको बता देते हैं कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये दो विद्याएं ज्ञान प्राप्ति के लिए हैं, शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर ही शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। इसलिए हम सभी को भी किसी न किसी प्रकार से शस्त्र चलाने का अनुभव होना चाहिए, अपना आत्मनिर्भर बनते हुए, अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने आत्मकल्याण के लिए हम लोगों को भी कसरत, योगाभ्यास और अपने बचाव के लिए जूडो, कराटे, कुछ ना कुछ ऐसा सीखना चाहिए। उसके बाद जो है कि हम पढ़ाई कर सकते हैं, अपना ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद तो कहते थे कि आप जो है ज़रूरी नहीं कि आप पहले पढ़ें, पढ़ने में दिमाग लगाएं, पहले आप जी भर के फुटबॉल खेलें, क्योंकि आप जी भर के फुटबॉल खेलेंगे तो क्या होगा, आपका शरीर तंदुरुस्त होगा, बुद्धि आपकी और एकाग्र होगी, संतुलित होगी, उसके बाद क्या होगा, आप जो भी पढ़ेंगे जो भी सीखेंगे वो आपको याद रहेगा और अच्छे से आ जाएगा। तो यही बात इस श्लोक में बताई गई है कि दो प्रकार की विद्याएं होती है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, आपको दोनों का अध्ययन करना चाहिए, दोनों ही सीखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि शस्त्र की हम छोड़ रहे हैं, शस्त्र हमारे किस काम आएगा छोड़ो, हम जो है कि शास्त्र ही पढ़ें, ऐसा नहीं है, आपको दोनों विद्या पढ़नी चाहिए। क्योंकि श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शस्त्र के द्वारा तो देश की रक्षा होती है, तत्पश्चात शास्त्र की चर्चा होती है। इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा हुआ, आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और इसकी जो सीख है, शिक्षा है स्वराष्ट्र गौरवम की, ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसको आप घर में रिविज़न करें, वीडियो को बार बार सुनें, लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ये चैनल आपका खुद का है, आपकी स्कूल का है, तो आपको इसे सब्सक्राइब भी करना चाहिए। साथ ही अब हम आपको कुछ इसके आगे सॉल्यूशंस के लिंक अवेलेबल कराएंगे, तो सॉल्यूशंस के लिंक पर जाकर के आपको पाठ के प्रश्नोत्तर और पाठ की संपूर्ण व्याख्या हिंदी में और संस्कृत में अपने कॉपी में करनी है। कोरोना महामारी में घर में रहकर ही पढ़ाई करनी है, जितना हो सके बाहर नहीं निकलना है, घर से बाहर निकलना हो, मजबूरी हो तभी निकलें, एक सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मुंह पर मास्क लगा के रखें,
हाथों को सैनिटाइज करके रखें और घर में तंदुरुस्त अच्छा खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं, मनोरंजन करें, अपना पढ़ाई में विशेष ध्यान लगाएं। इसी के साथ आज की चर्चा यही विराम लेती है, अगली चर्चा पुनः होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।